इंटर्नशिप्स कैसे लेनी है जिंदगी में, तुम पढ़ाई करो ना करो इंटर्नशिप्स पक्का कर लेना। इस साल के कैट के वाले बच्चों के लिए थोड़ा टाइम कम है, अभी तुम कैट के बाद देना, बिकॉज कैट के बाद पढ़ाई करना थोड़ा सा लोग कम कर देते हैं। इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू गाइस गेट अ कॉर्पोरेट फीलिंग फॉर श्योर। इंटर्नशिप चूज करने के तीन मेजर तरीके होते हैं, पहले तरीके बाद में बताता हूँ, पहले बताऊँ तीन मेजर पैरामीटर्स होने चाहिए ऑन विच यू शुड बी फाइंडिंग इंटर्नशिप्स। नंबर वन, ब्रांड। इफ यू कैन वर्क फॉर अ ब्रांडेड कंपनी, वेरी गुड। बड़ी कंपनी में जाके आप झाड़ू मारने का भी काम करोगे ना, वो भी बढ़िया है। सुन लो मेरी बात, रिलायंस में काम मिल रहा है, सिटी बैंक में काम मिल रहा है, किसी अच्छी कंपनी में अगर आपको काम मिल रहा है तो आप काम ले सकते हो। डिस्क्लेमर, काम झाड़ू मारने का भी हो तो भी चलेगा। पहला ब्रांड। दूसरी चीज, ब्रांड मिले और उसके साथ अगर काम भी अच्छा मिले वो तो बेस्ट है फॉर श्योर, बट नंबर वन भी कर सकते हो, बिकॉज कई जगह पे रिज्यूमे जब शॉर्टलिस्ट होते हैं यही देख के, अरे बच्चा रिलायंस में काम करके आया, चाहे वो जहाँ पे झाड़ू मार के भी आए, बिकॉज फिर आप धीरे धीरे सीख लेते हो झाड़ू मारने को कैसे बताओगे, हाउ यू हैव मेड योर रूम 25% बेटर, MBA जो है उनको पता होगा, हाउ यू मेड योर रूम टू लुक 25% बेटर, या इफ यू वर्किंग ऑन द शॉप फ्लोर बाई क्लीनिंग द रूम द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन द रूम हैव बीन रिड्यूस्ड बाई 30%, ये सब आपको MBA सिखा देगा, ठीक है। उसको बोलते क्वांटिफाई करना, पहला काम गो विद द ब्रांड। नंबर टू, गो विद द ब्रांड प्लस वर्क। ब्रांड प्लस वर्क मिलना एट प्रेजेंट योर एज के अंदर बड़ा मुश्किल है फॉर श्योर, बट अगर मिले तो बैंग ऑन। नॉर्मली वो नेटवर्क से मिलता है, जान पहचान से मिलता है, किसी का फलाने का फलाना हो तो वो भी बढ़िया होता है। नंबर थ्री, गो विद द मैनेजर whom you're going to be working with. ये मेरा फेवरेट है। Like lot of people from IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, they come and work at Cat King. I love them. In fact, the changes what Bangalore guys have given this year on the real Cat mocks, we're still fixing those things up and it's really really amazing. जो dashboard उन लोगों ने बनाया और contribute किया, IIM Ahmedabad की अंकिता मैम है। तो work with the people. If you guys can find some amazing people to work for, managers, तो बढ़िया काम है। तो वो गधा वाला भी कंपनी हो, छोटी कंपनी भी हो, आप उसमें काम कर सकते हो। नंबर फोर, स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स में तुम झाड़ू मारने से लेके बिजली से लेके पंखे से लेके सारे काम तुम ही करोगे, तो इसलिए स्टार्टअप इज गॉन बी रियली अमेजिंग। तो भाई ये तीन चार काम है, तो इसलिए आप ऐसे करके सोचिए। और पांचवा काम है, कोई भी इंटर्नशिप मिले टू स्टार्ट विथ कर लेना। तुम बड़े लोग मुझे बोलते हैं सर कॉल सेंटर का इंटर्नशिप मिल रहा है, शुड आई डू और नॉट? कॉल सेंटर का इंटर्नशिप भी करो। जिंदगी में सर सेल्स का इंटर्नशिप मिला, शुड आई डू वन? सेल्स का इंटर्नशिप भी करो। जिंदगी में चाहे फाइनेंस करना है, चाहे MBA करना है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज सेलिंग ओनली, या इज सेलिंग ओनली, या इट्स सेलिंग ओनली। इट्स अबाउट हाउ यू गोना वैल्यू अनदर कंपनी फॉर दैट योर अदर क्लाइंट कैन बाय आउट दैट कंपनी। अगर किसी बड़ी कंपनी को, जोमैटो को, किसी छोटी कंपनी को बाय आउट करना है तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर ही उसको आइडिया देगा, सर आप ये वाली सेल कर सकते हो, ये वाले। HR इज ऑल्सो अबाउट सेल्स, या यू टू हायर somebody, यू टू सेल योर ओन कंपनी। अगेन example ऑफ Zomato, तुम Zomato के HR, तुम्हें हायरिंग कैसे करनी है? तो इसलिए अगर HR की भी कोई भी आपको इंटर्नशिप करनी है वो आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो इसलिए इंटर्नशिप पक्का करिए। एक और पॉइंटर, NGO में अगर इंटर्नशिप मिलती है आपको, अगर आपको NGO में इंटर्नशिप मिलती है तो वो भी आप कर सकते हो फॉर श्योर। पर अगर इंटर्नशिप बहुत ही निखिद है, बहुत ही थर्ड क्लास है, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो मत करिए। इफ यू आस्क मी, माई बेस्ट वन इज AM फॉर द मैनेजर हु कैन टीच यू द मोस्ट। रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट काम देख के भी होता है, सिर्फ ब्रांड देख के नहीं होता है, ठीक। और थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग बॉयलिंग द यू गाइस आर ऑसम, स्टे ग्लूड, चैनल को सब्सक्राइब ठोक लीजिए और वीडियो को लाइक पक्का ठोक के जाना। जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तो नीचे कमेंट करिएगा, आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस बाय टुमारो।